नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। यूपी चुनाव के एग्जिट पोल के रिजल्ट पर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने एनडीए पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि जो एग्जिट पोल बोले गए हैं वो एनडीए के ही हैं, और जो एग्जिट पोल के रिजल्ट देते हैं वो या तो योगी से डरते हैं या फिर मोदी से घबराते हैं। के जो नतीजों के एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उसमें दिखा रहा जा रहा है कि चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये सब झूठ का पुलिंदा है। 10 तारीख को रिजल्ट आना है, तो रिजल्ट परिणाम जो 10 तारीख को आएंगे आपको पता चल जाएगा कि एग्जिट पोल कितना झूठ और सही है। क्योंकि ये एग्जिट पोल दिखाने वाले जो लोग हैं वो एनडीए के समर्थक हैं और योगी से डरते हैं और मोदी से घबराते हैं, इसलिए उनके पॉकेट का ये लोग हैं, इसलिए एग्जिट पोल उसके पक्ष में लोग दिखा रहे हैं। सवाल ये है कि कहा जा रहा है बीजेपी के विधायकों के द्वारा कि कई समाजवादी नेताओं ने लंदन का टिकट करा लिया है 10 तारीख के बाद। वो लोग ये लोग बर्बरवेपन का ये सब है, ये सब बोलने का है कि खबरों में बने रहे। समाजवादी लोग हमेशा धरती पर रहता है और जनता के हित के लिए काम करता, लड़ाई करता है, इसलिए समाजवादी कभी भी देश के बाहर में भाग नहीं सकता है। इन लोग जैसे हम लोग तलवा चटने वाले के पार्टी के नहीं है और न नाथूराम गोडसे के खानदान है जो अंग्रेजों के दलाल थे, गांधी के हत्यारे थे। आज भी बापू हम शर्मिंदे हैं, तुम्हारे हत्यारे जिंदे हैं। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि बिहार में बुलडोजर चलाएंगे 10 के बाद हम लोग। ये तो पता चलेगा बुलडोजर चलाएंगे। अरे जनता के हित में कोई काम कर नहीं रहे, विधानसभा तो नाटक का अखाड़ा हो गया है। झूठ का पुलिंदा सब मंत्री लोग देते हैं, विधायकों का कहीं कोई आम आवाम का कोई काम नहीं हो पा रहा है, ये क्या चलाएंगे? जनता इस बार तय कर देगी आप कहाँ खड़े हो। परिवारवादी पार्टी अब कहीं भारत में कहीं नहीं रहे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। और भी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरी आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।